हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट, आज आप लोग को सोशल साइंस के बुक सिविक्स, जिसको हम नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, उसमें आप लोग को फर्स्ट चैप्टर है रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान होता है। अब आप जानते हैं कि जो किसी भी कोई देश चलता है तो वह संविधान के तहत चलता है। संविधान उसे कहते हैं जो देश का एक गाइडलाइन देने वाला एक नियम कानून का जो दस्तावेज होता है, जिसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो संविधान क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द इंड। ए कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड्स डाइवर्स पीपुल टूगेदर बाई क्रिएटिंग सम बेसिक लॉ फॉर देम व्हिच आर इक्वल फॉर एवरीवन। संविधान हर देश का एक नियम चलाने वाला प्रस्तावित संस्था संविधान होता है, जिसमें संविधान के तहत हर लोगों को इक्वल माना गया है। माने देश का कोई भी व्यक्ति संविधान के नजर में बराबर होता है। दिस ब्रिंग्स अबाउट हार्मनी। ऑल लॉ मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विथ द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जो नियम होते हैं उस नियम को पालन करना, उसके नियम के तहत चलना ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। और यह अभी विश्व के प्रायः सभी देशों में का अपना अपना संविधान होता है। जैसे भारत का संविधान, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया, इसमें भारत के और से भी बहुत से महापुरुष विद्वान लोग थे जिनके द्वारा संविधान को पारित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस दिन से हमारा जो अपना संविधान है उसको हम मानते हैं। उसके बाद है देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल द लॉ आर बेस्ड ऑन द प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ऑल लॉ। नाइदर द पीपुल नॉर द गवर्नमेंट कैन गो अगेंस्ट इट। कहा जाता है कि संविधान के तहत ही गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, जो देश या राज्य में सभी नियमों को लागू करती है और उसके नियमों को फॉलो करना ही उस देश का नागरिक का कर्तव्य होता है। उसके बाद दूसरा है नीड फॉर द लॉ। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसा कि आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इन ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, यह बहुत बड़ा देश है, पीपुल थिंक डिफरेंटली, यहाँ के हर लोग अलग अलग सोच के होते हैं। द एप्रिशिएशंस एंड नीड्स आर डिफरेंट एंड दे फॉलो वैरायटी कल्चर्स। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो इन लोगों के को एक करने के लिए संविधान की जरूरत होती है। और वही संविधान जो है सारे देश को एक सूत्र में बांधती है और सबको संविधान जो है सबको इक्वल मानती है, बराबर मानती है। संविधान के नजर में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। उसके बाद है लिगिटिमेसी ऑफ लॉ। संविधान में न्याय होना चाहिए। संविधान में अगर न्याय खत्म हो जाएगी तो वह देश का संविधान समझो समाप्त हो जाएगा। संविधान में अगर न्यायता नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। एज यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ। ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव वैलिडिटी ऑफ लिगिटिमिटी ऑफ द लॉ। इफ वी लुक अराउंड वी विल फाइंड दैट देयर आर मेनी पीपुल हु सफर ड्यू टू अनजस्ट सोशल प्रैक्टिस लाइक कास्ट सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं भारत में जाति प्रथा बहुत पहले से ये बीमारी चला आ रहा है। जाति प्रथा का मतलब होता क्या है कि
कुछ लोग भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए हैं और एक जात दूसरे जात को से नफरत करता है। दूसरा है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत में, मतलब अगर हम आपको छू दिए तो आपको इससे परेशानी है, अगर वो उसमें टच हो गया तो उससे परेशानी है। छुआछूत भी बहुत बड़ा समस्या थी और कास्ट सिस्टम भी बहुत बड़ा समस्या थी। तो यह हमारा समाज के अंदर उत्पन्न हुआ, तो इससे ऊपर संविधान जो है यह सब नहीं मानता है, हर नागरिक को एक मानता है। ना उसके नजर में कोई बड़ा नागरिक होता है, ना कोई छोटा नागरिक है। अगर कोई बड़े पोस्ट पर है वो भी संविधान की नजर में बड़े हैं, और कोई अगर छोटा सेवक है, छोटा पोस्ट पर है, वो भी संविधान की नजर में इक्वल है। इंडियन गवर्नमेंट हैज पास्ड सेवरल लॉ टू इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है बहुत से कुछ नियम पारित किए हैं, अपने देश में कुछ इकोनॉमिक रूप से, कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कुछ सोशल सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक लोग होते हैं। तो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में, संविधान के नजर में सब इक्वल है। तो उसमें जो कुछ नियम बनाए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उसमें सबसे पहला है डॉरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 में बना। डॉरी प्रोहिबिटेशन एक्ट जो है इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ। इन आवर कंट्री द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग डॉरी इज क्वाइट कॉमन। डॉरी इज द मनी ऑफ गिफ्ट दैट पेरेंट्स गिव टू द डॉटर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। यह इसका मतलब हुआ दहेज मनाही एक, दहेज प्रथा के खिलाफ। जब हमारे घर में किसी बच्ची का जन्म होता है या बहन होती है, तो जब उसके शादी के समय में लड़की वालों के द्वारा लड़का वाला को जो धन और राशि दिया जाता है उसे दहेज कहते हैं, वही दहेज होता है। तो इसके खिलाफ भी हमारे देश में कानून बना है कि हम लोग को दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का इनकम एक समान नहीं होता है, हर आदमी दहेज देने के लायक नहीं होता है। भारत एक गरीब देश है, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना सिर्फ जीवन यापन करते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को दहेज देने में प्रॉब्लम होता है। इसके लिए इस एक्ट को सरकार ने लागू किया है। हाउएवर स्लोली इट हैज ग्रो इनटू ए सोशल प्रॉब्लम एज द फैमिली। यह सामाजिक परेशानी आता था, समस्या होता था हर परिवार में। ऑफ द बॉय डिमांड्स लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम गर्ल्स पेरेंट्स। आज भी हमारे समाज में बहुत सी घटना घटता है जो दहेज प्रथा के कारण घटना घटता है। बर पक्ष बॉयज मतलब लड़का वालों की तरफ से गर्ल्स के पेरेंट्स मतलब लड़कियों के माता पिता से भारी अमाउंट मांगा जाता है जो देने में असमर्थ होता है। इसी बीच में तरह तरह की घटनाओं का अंजाम भी होता है, जैसा कि आप लोग अभी जान रहे हैं। तीसरा है, चौथा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन एक्ट 1986। आप किसी के चरित्र को, आप किसी के कैरेक्टर को, आप किसी के शरीर को अश्लील तरह से नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, अश्लीलता भी रोकना है। हमें किसी का इज्जत का बच्चा नहीं उधेड़ना है। हम किसी के बारे में, किसी के इज्जत के बारे में नहीं कह सकते हैं। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन इन एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशंस राइटिंग्स पेंटिंग्स फिगर्स। यह सही बात है कि डेमोक्रेसी में एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशंस राइटिंग और पेंटिंग का फुल हक है, लेकिन हमें किसी के कैरेक्टर पर, किसी के निजी जिंदगी पर उसके अश्लीलता के बारे में नहीं कुछ करना है। उसके बाद है द कमीशन ऑफ सती एक्ट। यह भारत में तो बहुत पहले ही सती प्रथा एक बहुत ही भारत का बेदर्द प्रथा था। इसमें होता था कि जब पहले हमारे देश की कोई भी औरत विधवा हो जाती थी तो
उसके पति के साथ उसको जबरदस्ती जला दिया जाता था, यही सती प्रथा था। तो इसके ऐसे तो यह अंग्रेजों के समय ही अपने देश में समाप्त हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, लेकिन भारत में कानूनी रूप से यह 1987 को समाप्त की गई। सती बात द एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया इन विच वोमेन वेयर फोर्स्ड टू बर्न देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पेयर ऑफ द हस्बैंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड के मर जाने के बाद उसकी पत्नी को भी उसके साथ जीवित जीवित जला दिया जाता था, जो समाज में कहीं से भी शोभनीय नहीं होता था। इसके लिए कमीशन ऑफ सती एक्ट 1987 में लागू हुआ। इसमें राजस्थान के रूप कंवर सिंह और देवराला जो राजस्थान में पड़ता है, इनके अथक प्रयासों के द्वारा भारत में द कमीशन ऑफ सती एक्ट लागू हुआ। अब आप किसी को इस तरह की घटना नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो भारतीय संविधान की नजर में आप एक अपराधी होंगे, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो बच्चों आज आप लोग को ये 6 टॉपिक बताया गया है। हाँ तो आप लोग को ये 6 टॉपिक बताया गया, इससे रिलेटिव वर्ड्स मीनिंग और कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आप लोग को बनाना है, और जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपको फिर से पूरा क्वेश्चन बनाना है। फिर आपको नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।